गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 9, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्या होता है, जब कभी भी आप वर्ड के अंदर टाइप करते हो तो ये आपको ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और वर्ड स्पेलिंग से भी आपको मदद करता है आइडेंटिफाई करके। जैसे कि आपको पहले ही पता है, जो रेड कलर अगर आती है किसी वर्ड के नीचे इट मीन्स उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रीन लाइन आती है तो इट मीन्स उसमें ग्रामर मिस्टेक है, और अगर ब्लू लाइन आती है तो वहाँ पर वर्ड मिस्टेक है। लाइक डियर की स्पेलिंग डी ई ए आर भी होती है और डी डबल ई आर भी होती है, तो जहाँ पर डीआर आना चाहिए उसकी जगह आप हिरण वाला डीआर लिख देते हो डी डबल ई आर, तो वहाँ पे ब्लू लाइन आएगी कि यहाँ पे वर्ड मिस्टेक है। तो करेक्शन नंबर मेथड नंबर 1 है, यहाँ पर अलग अलग मेथड है। समटाइम यू माइट हैव ऑब्जर्व रेड ग्रीन एंड ब्लू वेवी लाइन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये किसकी हेल्प से होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम की हेल्प से होता है, जो आपको ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक को दूर करने में आपकी हेल्प करता है। तो वर्ड के अंदर एक इनबिल्ट डिक्शनरी होती है और ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी स्पेलिंग को और ग्रामर को चेक करते रहते हैं। तो रेड वेवी लाइन अंडर एनी वर्ड सिग्निफाई द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि रेड का मतलब है वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होती है। इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जिसके नीचे अंडरलाइन आई हुई है रेड कलर की, उसके ऊपर माउस से राइट क्लिक करना, एक लिस्ट निकल कर आएगी जिसमें सजेशन होंगे राइट स्पेलिंग की, जो भी आपकी राइट स्पेलिंग होगी वो वहाँ से आप सेलेक्ट करके अपनी मिस्टेक को दूर कर सकते हो। अब यहाँ पर ग्रीन लाइन है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पर, तो सेम हेयर आपने इसके लिए भी क्या करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सजेशन आपके पास आ जाएंगे और उस सजेशन में से आप राइट ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने ग्रामर मिस्टेक को दूर कर सकते हो। ब्लू लाइन का मतलब भी मैं आपको बता चुकी, इसे कॉन्टेक्स्चुअल स्पेलिंग एरर कहते हैं, इसको आप ध्यान से नोट कर लेना। कॉन्टेक्स्चुअल स्पेलिंग एरर अगर आपके पास आ जाए तो इसका मतलब होती है वर्ड मिस्टेक, कि वहाँ पर वर्ड की मिस्टेक है, तो इसको भी आप राइट क्लिक करके दूर कर सकते हो। नो द फैक्ट में हम यहाँ पर देखेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द करंट लैंग्वेज बींग यूज, जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है वो किस पे डिपेंड करता है, जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर। अगर हिंदी यूज़ कर रहे हो तो हिंदी के अकॉर्डिंग वो आपको मिस्टेक निकालेगा, इंग्लिश यूज़ कर रहे हो तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग। टू बी ऑन द सेफर साइड यू शुड ऑलवेज यूज इंग्लिश, अगर आपको ज़्यादा अगर आपने यूज़ करना है अपनी मिस्टेक को जल्दी से दूर करना है तो आपको हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज़ करना चाहिए। इसके बाद है आपके पास करेक्शन मेथड 2 में स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल, ये तो था राइट क्लिक। मेथड नंबर 1 में हमने देखा कि राइट क्लिक को हम यूज़ करके ऑप्शंस को अपने राइट कर ठीक कर सकते हैं। दूसरा है ग्रामर टूल, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आपने इसके लिए क्या करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, जिसे भी आपने चेक करना है। रिव्यू टैब पर जाएंगे, रिव्यू टैब पर जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रूफिंग ग्रुप के अंदर। स्पेलिंग एंड ग्रामर बॉक्स का बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और जिसमें क्या होगा आपके पास सजेस्टेड करेक्शन इज हाईलाइटेड, उसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो हाईलाइट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और चेंज बटन पर क्लिक कर देना है, तो वो आपकी जो मिस्टेक है वो वहाँ पर दूर हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे थ्रेशर्स। थ्रेशर्स क्या होते हैं, इनबिल्ट डिक्शनरी होती है जो आपको हेल्प करती है किसी भी वर्ड के लिए सिनोनिम्स फाइंड कर सकते हो, एंटोनिम्स चेक कर सकते हो, वर्ड सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट कर सकते हो, और अल्टरनेटिव स्पेलिंग भी आप उसके लिए देख सकते हो। ये जो फीचर है इसकी हेल्प से आप अपनी राइटिंग एबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो, एबिलिटीज़ को और वोकैबुलरी को इंक्रीज़ कर सकते हो, और ये आपकी हेल्प करता है किसी भी टेक्स्ट को आसानी से समझने में थ्रेशर्स में, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिव वर्ड्स को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। किस तरीके से थ्रेशर्स को यूज़ करेंगे, सबसे पहले वर्ड को सेलेक्ट करेंगे जिसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप ढूंढ रहे हैं। रिव्यू टैब पर जाएंगे, थ्रेशर्स कमांड पर हम सेलेक्ट करेंगे, एक रिसर्च टास्क पेन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, दिखाई देगा। आपने यहाँ पर इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो वर्ड आप सेलेक्ट करोगे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों आपको नज़र आ जाएंगे। तो माउस के पॉइंटर को सुटेबल वर्ड पर लेकर जाइए, वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे या ड्रॉप डाउन एरो दिया होगा वहाँ पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट, आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो उसकी जगह पर उस वर्ड का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स को आप ऐड कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन क्या है, यू कैन आल्सो सेलेक्ट ए सिनोनिम बाय प्रेसिंग द ऑल्ट की, आप कीबोर्ड से ऑल्ट की यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम्स को ऐड करने के लिए। अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स विल अपीयर इन रिसर्च टास्क पेन, जैसे ही आप ऑल्ट बटन दबाएंगे एक लिस्ट निकल कर आएगी बहुत सारे सिनोनिम्स के साथ, आपने जो भी सिनोनिम्स लेना है वो आप लेकर इंसर्ट या कॉपी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो टिप देखेंगे, यू कैन आल्सो रिप्लेस अ वर्ड विद इट्स सिनोनिम बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। स्टेप्स क्या है, राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड वर्ड, सेम आ गया शॉर्टकट मेथड, उस वर्ड पर राइट क्लिक करेंगे, सिनोनिम्स ऑप्शन ले लेंगे जो लिस्ट निकल कर आएगी उसमें से, और जो सिनोनिम आपके लिए सुटेबल होगा वो आप वहां से ले सकते हो। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। फिर उसके बाद है इंसर्टिंग सिंबल्स।
एट टाइम यू मस्ट हैव सीन सम स्पेशल कैरेक्टर इन डॉक्यूमेंट. कई बार आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हो अपने की अपने वर्ड के अंदर, तो आपको क्या करना होता है, उनको ऐड करने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो आपको कीबोर्ड पे नहीं मिलते. कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर. इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक पर्टिकुलरली मार्क होता है, एक निशान होता है, जिसे आप किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ कर सकते हो, जिसे हम सिंबल कहते हैं. कैसे ऐड करोगे, सबसे पहले उस पोजीशन पर क्लिक करोगे जहां पर आपको सिंबल को इंसर्ट करना है. इंसर्ट टैब पर जाएंगे, सिंबल बटन पर क्लिक करेंगे, लाइक ये रहा आपके पास सिंबल बटन. सिंबल ग्रुप में आपको ये मिल जाएगा होम टैब के अंदर. अगर आप में से आपको कोई ऐसा सिंबल लेना है जिस लिस्ट में नहीं आ रहा, तो आप मोर बटन पर क्लिक कर सकते हो. तो मोर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो सिंबल टैब यहाँ पे सिलेक्टेड होता है. फ़ॉन्ट आप यहाँ से ले सकते हो, देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट आपके पास गिवन है, फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. बिल्डिंग्स के अंदर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो यहाँ पे बिल्डिंग्स जो दिया हुआ है इसके अंदर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे. जो सिंबल आपने लेना है उसको लेकर इंसर्ट बटन ये दिया हुआ है, इंसर्ट बटन पर क्लिक कीजिए और क्लोज कर देना, तो वो बटन आपका आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा सिंबल. शॉर्टकट की क्या है, अगर आपको थ्रेशर्स को ओपन करना है, थ्रेशर्स की शॉर्टकट की है Shift+F7. तो आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है. अगर आपके वीडियो समझ आई है, लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें.